हाँ सर यही है वो। अच्छा आपने मुझे पहचान लिया। हाँ मैं ही हूँ जो शादी पार्टी में ना गिटार बजाता है। आपको बजवाना है क्या कहीं? मैं बजा दूंगा, बहुत अच्छा बजाता हूँ गिटार। बस कर, चोरी करके बच्चे को किडनैप करके भागा है, छोड़ूंगा नहीं बेटा तुझे अब। चोरी बच्चा? अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो? अरे सर मैं ना गिटार बजाता हूँ, मेरा पेशा ही, और मैं बहुत दिनों से ये काम करते हुए आ रहा हूँ। सर ये कोई किडनैपिंग वगैरह चोरी फोरी नहीं करता मैं, आप कैसी बात कर रहे हो सर? आर्टिस्ट पर ऐसे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तू ना चुप कर, देखा कैसे बातें बना रहे? मुझे पता था ऐसा ही करेगा ये। सर ये मेरा बच्चा चुरा के भागे, वो देखो वो था मेरा बच्चा। ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता। कहते ना सर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कहते ना सर अपना संजय थी कैसे? मुझे नहीं पता। अरे सर जब हम लोग दीदी के बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना, तब रिक्शे से हम उतरे, तब तुझे मैंने देख लिया कि तू किस तरह बच्चे को चुरा कर लेके जा रहा है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कौन सा रिक्शा कैसा बच्चा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। सर सर ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये ना मेरे को फंसा रहे हैं, और कुछ नहीं है। तू ना चुप कर, अपनी बकवास बंद रख। हम क्यों फंसाएंगे तुझे? वैसे भी कौन सा तेरी जमीन हमें अपने नाम करवानी जो हम तुझे फंसाएंगे। सर यही मेरे बच्चे को लेके भागा था, मैं अपने बच्चे को दिखाने हॉस्पिटल लेके जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ मेरे भाई ने इसको बच्चा चुराते हुए देख लिया, वरना मैं तो पूरी जिंदगी भर अफसोस में रह जाती कि मुझसे मेरा बच्चा खो गया। कानून सबूत और गवाह के ऊपर चलता है। सबूत हमारे सामने है और गवाह भी है। अब बेटा बचेगा नहीं तू, अब न थाने ले जाके पहले तो अच्छे से तोड़ूंगा तुझे, उसके बाद जीवन भर के लिए जेल में डलवाऊंगा। हाँ सर आप कैसी बात कर रहे हो सर? सर मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, अभी 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 तो मेरा करियर बनना शुरू हुआ था। अगर मैं अभी जेल में चला जाऊंगा तो पूरा मेरा करियर ही खराब हो जाएगा। सर 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 कसम से सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सर बच्चे के साथ साथ कैसे भी थे जो हम हॉस्पिटल में लेके जा रही थी ना बच्चे का इलाज करवाने के लिए, मेरा भाई बैंक से पैसे लेके आता निकलवा के, वो भी नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चे के साथ पैसे भी चुरा लिए। अब तो एक धारा और बढ़वाऊंगा तुझ पर बेटा, अब तो उम्र कैद की सजा करवाऊंगा तुझे। ये कौन सी आप धारा लगा रहे हो मेरे पे? सर ये तो गलत बात है सर। और सर पैसे होते ना तो मेरे पास होते ना, कहे मेरे पास पैसे? सर ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं। उनसे सबूत मांगो कि पैसे कहाँ है। हाँ मैडम कहाँ है पैसे? पैसे मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाओ। ये क्या है? ये पैसे नहीं है सर, ये वही पैसे हैं जो मेरा भाई बैंक से लेके आया था। बच्चा भी इसी के पास है, पैसे भी। कितना झूठ बोल रहा है, लाखों रुपए पैसे चुरा के जा रहा है, और अनमोल बच्चा भी इनका। बेटा अब नहीं बचेगा। अब तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना कि फांसी में लटकाऊंगा तुझे। सर मेरे बच्चे का नाम अनमोल नहीं है, मेरे बच्चे का नाम तो टिंगू है। अरे मैडम आप चुप करो, अनमोल मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं होता, मतलब आपका बच्चा आपके लिए अनमोल हुआ ना। हाँ ऐसे बच्चे को चोरी करके लेके जा रहे हो ना, बेटा अब नहीं बचोगे। सजाए मौत। सर ऐसा मत करो सर, सर मर जाऊंगा, मर तो जाऊंगा ही सजाए मौत में तो। सर कुछ तो तरीका होगा ना सर? तरीका मैं निकालूंगा थाने ले जाकर, पहले कुटाई करूंगा तेरी अच्छी तरीके से। मैडम आप ऐसा करो, आपके पैसे मिल गए ना, बच्चा मिल गया, आप लेके घर पर निकलो, इसकी तुआई करता हूँ मैं थाने ले जाके, मौत की सजा करवाऊंगा इसको, आप चिंता मत करो। छोटा मत, फांसी पे लटकवा दे। हाँ आप निकलो, आप भी जाओ भाई साहब। सर कुछ तरीका होगा बचने का सर। देख 13 साल हो गई मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में, और मैं अकेला हूँ, कोई और भी नहीं है पुलिस वाला, इस मामले को मैं यहीं कहीं दबा सकता हूँ। देख तेरा पूरा करियर पड़ा हुआ है जीवन बनाने के लिए, अभी इतनी उम्र ही क्या हुई है, संगीतकार है तू आखिर। मैं भी संगीतकार बनना चाहता था पहले पुलिस में आने से पहले, तो इसलिए ना मुझे तुझसे कुछ ज्यादा मोह है। तो देख कुछ ले दे के ना इस मामले को दबा सकता हूँ मैं। देखिए सर मैं बस तो जाऊंगा ना। अरे चिंता मत कर, भरोसा कर मेरे ऊपर, किसी और के ऊपर डाल दूंगा ये केस। ठीक है सर आप ये ले लीजिए। अबे भिखारी समझ रहा क्या मुझे? तू तो तार के मारूंगा तुझे, सजाए मौत। मेरे सर आप बताइए ना आपको कितनी जगह? ठीक है 2,000 रुपए। चल तू चल तू, बताइए तो सर, आप ही नहीं बता रहे जितने हैं सब कुछ दे तू। सब कुछ सर? आधे से ज्यादा पैसे तो मैंने डाल रखे हैं ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, वो खुद 500 की नोट डाल दे। अबे सर इतने अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए हैं तू, वो कह रहा तेरे पास पैसे कम है। सर फड़के कपड़े 50-50 रुपए वाले, सर बहुत गरीब हूँ सर मैं। तो हीरो बनता क्यों है यार रोड किनारे आके? देख जितना भी है संभाल दे दे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई दूसरा पुलिस वाला आ गया ना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर गिटार छेड़ना मत, ट्यून बिगड़ जाएगी उसकी वरना। दे जल्दी कर सर, 10 रुपए रख लूं, वो जाना है मुझे। अबर इसको और कुछ है? नहीं है सर। अरे मोबाइल वगैरह जो है सब दे, बाहर रहेगा तो और भी कमा लेगा, और मोबाइल ले लेगा। सर ये तो गलत कर रहे हो सर आप, इतना महंगा फ्लिप वाला फोन रखता है तू?
देख आज के आज ना ये एरिया छोड़ दे, कम से कम 3-4 महीनों के लिए ना इस एरिया में दिखाई मत देना, और कोई पूछे तो कहना मैं नहीं जानता भैया ऐसा कोई, और गांव निकल जा तू सबसे बढ़िया। तो मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। ठीक है सर। ठीक है। कितना मिला? पर ये देख 50,000 का फ्लिप वाला फोन है, और कम से कम 30-40,000 रुपए होंगे ये। अरे वाह, कैसा बेवकूफ था, नकली पुलिस वाला देख के ऐसा डरा, ये भी नहीं देखा कि बच्चा असली है नकली। उसको कहां से पता चलता है कि मैं नकली पुलिस वाला हूँ? मैंने ऐसे जोरों से उस पर डायलॉग 2-4 मारे और मौत की सजा करवा दूंगा, उम्र कैद की सजा करवा दूंगा। डर गया बेचारा, उसको लग रहा था कि मैं अभी पकड़ के ले जाऊंगा और सच में मौत की सजा करवा दूंगा। उसके तो सारे अंदर पंजे ढीले हो गए। एक काम करते हैं, अभी तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, कहीं वो देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये भाड़े की वर्दी है ना, एक काम करते हैं भाड़े की वर्दी अब जान देते हैं, अब खुद ही खरीद लेते हैं। हाँ ये आइडिया बढ़िया है, अपनी खुद की वर्दी खरीदेंगे। चलो।